हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक साइबर मेनिया में। और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो अक्सर दोस्तों हम देखते हैं कि शादी के बाद लड़कियों का सरनेम चेंज हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि सरनेम चेंज कैसे करवाना है, गजट में कैसे निकलवाना है। हर स्टेट का दोस्तों ये अपना अलग होता है, मतलब हर स्टेट ने अपनी अलग साइट्स बना रखी हैं जहां पर आप ऑनलाइन इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आज आपको वीडियो में दिखा रहा हूं कि हरियाणा में ऑनलाइन घर बैठे नेम चेंज रिक्वेस्ट आप कैसे दे सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करता हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों ऑनलाइन सरनेम कैसे चेंज किया जाता है घर बैठे। सबसे पहले आपने गूगल में टाइप कर देना है सरल हरियाणा। ये हर स्टेट का अपना अलग होता है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं आपने उस स्टेट की आईडी खोल देनी है। जैसे मैं अभी सरल हरियाणा की आईडी खोल देता हूँ। यहाँ पर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो भी है आपने बना रखा है वो डाल के, कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना है। अगर नहीं बना रखी तो आप रजिस्टर न्यू पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज पे देखना है, मतलब आपने अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल सर्विसेज, यहाँ पर अगर आपने कोई पहले से सर्विस मतलब कर रखी है, कोई अप्लाई किया हुआ, तो आप यहाँ पर उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद शो ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डाल देना है, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं यहाँ पर, आपने जस्ट नेम टाइप कर देना है। इसके बाद चेंज नेम पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एफिडेविट अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और मैटर टू बी पब्लिश्ड इन गजट, ये दोनों आपने सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करने से पहले ये डाउनलोड कर लेने हैं और इनके प्रिंट निकाल कर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्टेशन करानी है। मतलब हमें ये एक जो इन्होंने बना बनाया फॉर्मेट है, इस टाइप का हमें एक फॉर्मेट तैयार कराना है, जो भी डिटेल्स इसमें लिख रखी हैं एज इट इज आपने टाइप करके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्टेशन के बाद हमें ये आगे फॉरवर्ड करना है। इसके बाद आई हैव फैमिली आईडी, यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी डाल दीजिए, नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि हरियाणा में हर चीज़ अप्लाई करने के लिए फैमिली आईडी जरूरी है। यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ भी आपको। मेंबर चूज कर लिए जिसका नाम आपने चेंज करवाना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। मोबाइल पे आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, मैसेज आते ही आपने यहाँ पर एंटर कर देना है ओटीपी, और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा डाटा खुल जाएगा, एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, न्यू नेम हमें यहाँ पर जो हम अब नया नाम रख रहे हैं वो हमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम है तो वो, और लास्ट नेम है तो वो भी आपने टाइप कर देना है जो यहाँ पर न्यू नेम है, ये अच्छे से टाइप कर लीजिए। इसके बाद हमारा एड्रेस उड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, ये अपने आप ही फैमिली आईडी से उठा लेगा। ईमेल आईडी डाल दीजिए अपनी, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद लोकेशन टाइप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैप्चा डाल दीजिए और नीचे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ पर एक बारी प्रीव्यू दिखा देगा, ये अच्छे से चेक कर लीजिए, न्यू नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम जो हमने अब नया नाम रखना है, सब ओके होने के बाद आपने अटैच अनेक्सचर पे क्लिक कर देना है, नहीं तो हम यहाँ पर इसको एडिट भी अभी कर सकते हैं। अटैच अनेक्सचर पे क्लिक कर दीजिए। ये दो डॉक्यूमेंट्स, इनके बारे में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने ये टाइप करवाना है। इसका फॉर्मेट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और नीचे न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में और हिंदी में आपने ये निकलवानी है। इसके बाद अपना आईडी कार्ड लगा देना है। ये चार डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर अपलोड करने के बाद सेव अनेक्सचर पे हमें क्लिक करना है। न्यूज़पेपर की हमें दो कटिंग्स लगानी है, पीडीएफ फॉर्म में हमें ये फॉर्म अपलोड करना है।
एनेक्सचर एफिडेविट मैटर टू बी पब्लिश्ड साइन स्विन करने के बाद सेव एनेक्सचर पे आपने जस्ट क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा एफिडेविट जो प्रिंट फॉर्म में हुआ था, हमने इस टाइप का ये कुछ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना है। ये हमारा मैटर है एज इट इज़, और ये जो हमने मैटर टू बी पब्लिश्ड है ये इंग्लिश में और हिंदी में साइन करने हैं आपने, ये भी हमें यहाँ पर अपलोड करना होता है। ये हमारा एक इंग्लिश में और दूसरा हमें हिंदी में, यानी ये एक हमारा हिंदी का है, न्यूज़पेपर की कटिंग, न्यूज़पेपर में प्रॉपर डेट के साथ आपने अपलोड करना है, और एक ये इंग्लिश न्यूज़पेपर विद डेट, जो भी हमने नया नाम रखा है उसकी कटिंग हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आपने ये प्रॉपर पीडीएफ फाइल में अपलोड करना, और एक अपना आधार कार्ड एफिडेविट, हमारे मतलब ये चार डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर साइट में अपलोड करने हैं। जो मैटर यहाँ पर फॉर्म में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने मैटर यहाँ पर डाल के प्रॉपर पीडीएफ फाइल बना देनी है और सेव एनेक्सचर पे हमें जस्ट क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारी यहाँ पर स्लिप आ जाती है, मतलब हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पर हमारा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है और हमारे को मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर फीस इन केस ऑफ एडल्ट 1100, इन केस ऑफ माइनर 1700, मैसेज विल बी सेंट फॉर डिपॉजिटिंग फी, मतलब ये हमारे को मैसेज आएगा। ये डॉक्यूमेंट्स हमने जहाँ भी आपकी प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगी वहाँ पर ये कागज, ये इसका प्रिंट प्लस अपना आधार कार्ड, इंग्लिश कटिंग, हिंदी कटिंग, जो एनेक्सचर हमने यहाँ पर मजिस्ट्रेट का फर्स्ट क्लास का लगाया है वो ले जाकर वहाँ पर सबमिट करने हैं। उसके 4-5 दिन के बाद हमें फॉर्म मतलब फीस जमा करने का मैसेज आएगा और हमें वो फीस जमा करनी है। इस तरह हम यहाँ पर अपने इस रिकॉर्ड को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो कि आपने अगर शादी के बाद लड़की का सरनेम ऐड होता है, चेंज होता है, तो आपने नेम गजट में कैसे चेंज करवाना है। ये था मेरा आज का एक वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर।